चलो तो क्लास 12 फिजिक्स का आज कैपेसिटेंस का सेकंड लेक्चर अपन पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, कैपेसिटेंस होता क्या है ना, बाल्टी ऑफ एनर्जी एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है, गुड, है ना। और प्रॉपर्टी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है कैपेसिटेंस की, कि कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है टू होल्ड चार्ज, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट वोल्ट। एक यूनिट वोल्ट के लिए आप कितना स्टोर कर सकते हो, जैसे कैपेसिटेंस, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट को अपन ने नाम दे दिया फैराडे, क्या नाम दे दिया फैराडे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बट यहां पर अपन ने देखा था क्या कैपेसिटेंस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं, वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है ना। और अपन ने निकाला था एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये पूरा कल डिराइव किया था, यस और नो, इसका भी डेरिवेशन किया था, इसका भी डेरिवेशन किया था। फिर उसके बाद और क्या देखा था अपन ने, कैपेसिटेंस में एनर्जी जो स्टोर होती है वो देखा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूरा निकाल लिया था। फिर अपन ने देखा कि भैया एनर्जी स्टोर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, तो कितनी स्टोर्ड है, तो अगर ये सी और चार्ज क्यू, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी, या हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, या फिर हाफ क्यू वी, हाफ क्यू वी। ये तीनों फॉर्मूले थे एनर्जी स्टोर्ड के, एनर्जी स्टोर्ड के, एक ही बात है। जैसे ओम्स लॉ के तीन फॉर्मूले नहीं थे, ओम्स लॉ के बोल रहा हूँ, पावर, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पावर होता है उसके भी तीन फॉर्मूले थे, वी इंटू आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। सेम वैसे यहाँ पर जो ही एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके तीन फॉर्मूले हैं, और याद रखना एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में, है ना। फिर और क्या, और कुछ थोड़ी किया था, बस इतना ही सब कुछ किया था कि और कुछ भी था, नहीं। चलो तो अभी भैया अपन एक काम करते हैं, है ना, नहीं मैं रिमोट ढूंढ रहा हूं, हाँ ठीक है, मिटा देते हैं सबको। आलसी दिमाग वहां तक भी नहीं जाना चाहता, तो मिटाया था, नहीं वापस कैसे आ गया, हाँ ठीक है। अब खाली पूरा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन, ये सेम वैसा ही है जैसे टेंथ में आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आर इक्विवेलेंट निकाला था, है ना, वैसे ही डिट्टो पूरा वही स्टेप है, वैसे ही करना है। अगर आपको कुछ याद होगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगा, है ना। तो जल्दी से करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अपन को दो कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन देखना है, एक है सीरीज, एक है पैरेलल, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन ज्यादा कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन यहां पर अपन अभी दो देखेंगे, सीरीज और पैरेलल। अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, जब एक कैपेसिटेंस का एंड दूसरे से जुड़ा हो और इन दोनों के पवित्र रिश्ते को किसी तीसरे की नजर ना लगी हो, मतलब यहां से और कोई तार ना गया हो, है ना, तो अब इसको अपन क्या बोलेंगे, सीरीज। और जब दो कैपेसिटेंस के दोनों एंड आपस में जुड़े हुए हो, ये वाला एंड भी जुड़ा हुआ है और ये वाला एंड भी जुड़ा हुआ है, अब यहां से भले कितना भी तार और गया हो, है ना, इसका एक एंड, इसका एक एंड जुड़ा, इसका दूसरा एंड, इसका दूसरा एंड जुड़ा हुआ है, दोनों एंड अगर आपस में जुड़े हैं तो पैरेलल, और सिर्फ एक एंड आपस में जुड़ा हुआ है और उसके बीच से और कोई रास्ता वायर नहीं गया है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सीरीज, क्या बोलेंगे, सीरीज, ठीक है। इज दैट क्लियर, पक्का, चलो तो सीरीज और पैरेलल, अब दोनों में अपन को निकालना है सी इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो पूरे सर्किट, पूरे जो सर्किट की कैपेसिटेंस, कैपेसिटर्स है उन सबको रिप्लेस कर दे किसी एक कैपेसिटर से, हाँ, और सर्किट में कोई चेंज ना आए, ठीक है। व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बिल्कुल सही बताया वासु ने, है ना, अगर दिव्यांश ने, ओके सॉरी दिव्यांश, है ना, अगर बहुत सारे दो या दो से ज्यादा कैपेसिटेंस को हटा के अगर आप वहां पर एक कैपेसिटेंस लगा रहे हो और सर्किट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो अपन उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज अ कैपेसिटेंस, इज अ कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज अ
capacitor that can replace group of capacitor such that there is no change in the circuit. अब मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोग लिख लो, मैं pronunciation मैं बोल देता हूँ, dictate कर दे रहा हूँ, है ना? Equivalent capacitor is a capacitor which can replace group of capacitor. Equivalent capacitor is a capacitor that can replace group of capacitor such that there is no change in the circuit. जैसे अगर मैं यहां पर बनाऊं, मान लो ये था कॉम्बिनेशन, कैसा भी कॉम्बिनेशन हो है ना, कितना भी, मान लो इसमें मैंने यहां पर दिया था V वोल्ट और यहां से जो चार्ज गया था वो मान लो Q, है ना, मेन सर्किट से जो बैटरी से टोटल चार्ज बहा वो कितना बहा, Q. अब इस पूरे कैपेसिटेंस के जगह कैपेसिटर C1, C2, C3, C4 ये पूरे के जगह मैं सिर्फ एक लगाऊं, क्या लगाऊं, एक, और सर्किट में कोई चेंज ना आए, मतलब जो पहले वोल्टेज था अभी भी वही, जो पहले बैटरी से चार्ज बहा था अभी भी वही, तो इतने के जगह रिप्लेस करके सिर्फ और सिर्फ एक अगर मैं लगा रहा हूं और सर्किट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको मैं बोलूंगा C इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटर. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब अपन को इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है दोनों केस के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. बिल्कुल इजी है, जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से ध्यान रखना, उस तरीके से लिख के आना, ना तो कोई मार्क्स कटेंगे बोर्ड में और बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्लियर? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बहुत सारे कैपेसिटेंस की जगह एक कैपेसिटेंस सच दैट सर्किट में कोई भी चेंज ना आए, है ना. आगे बढ़ते हैं, इधर देखो, ठीक है, इधर अब किसके लिए करें, पहले सीरीज के लिए करें कि पहले पैरेलल के लिए, चलो सीरीज के लिए कर लेते हैं, है ना. सी इक्विवेलेंट फॉर सीरीज सीरीज के लिए अपन कर रहे हैं, है ना. चलो इधर देखो, तो सबसे पहले स्टेप वन, ड्रॉ डायग्राम. स्टेप वन क्या है, डायग्राम बनाओ, दोनों डायग्राम, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन का और एक इक्विवेलेंट, दोनों की जगह एक रिप्लेस कर दिए ना, V चार्ज किया Q, तो इधर देखो ये C1, ये C2. अब इधर देखो सीरीज में अगर यहां से टोटल चार्ज गया Q, तो इसमें ये वाले प्लेट में कितना आ गया, Q, ये वाले में कितना आ गया, माइनस Q, क्योंकि यहां से Q गया तो यहां से भी Q गया होगा ना चार्ज, तो यहां से Q चार्ज निकल गया तो क्या बचा, माइनस Q. यहां पर आ गया कितना, Q, और यहां पर कितना आ गया, माइनस Q, और ये वापस यहां पर आ गया चार्ज, है ना, क्योंकि बैटरी भैया जितना चार्ज इधर देती है उतना ले लेती है, तो नेट नेट वो कोई चार्ज नहीं देती, वो एनर्जी देती है, सिंपल सी बात है, है ना. बैटरी क्या सप्लाई करती है, एनर्जी. बैटरी क्या सप्लाई करती है, एनर्जी. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट कर रही है लेकिन सप्लाई क्या कर रही है, एनर्जी. तो खाली एनर्जी, तो चार्ज जितना यहां से गया घूम फिर के वापस आ गया बैटरी के पास उतना चार्ज. ठीक है, अब देखो सीरीज में चार्ज सेम होता है, सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज, और पैरेलल में वोल्टेज ये तो पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में भी, अभी भी याद होना चाहिए. पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में चार्ज, जैसे करंट में पढ़ेंगे सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है. ठीक है, अब इन दोनों के जगह एक लगाऊंगा तो उसको सी इक्विवेलेंट बोलूंगा, तो इसको बोल दिया सी इक्विवेलेंट, वोल्टेज वी, यहां से चार्ज गया क्यू. स्टेप वन हो गया. स्टेप वन क्या था, ड्रॉ डायग्राम, तो दोनों बना दिया, सीरीज वाला और सी इक्विवेलेंट वाला. स्टेप टू क्या है, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो. अब एग्जाम में ये मत लिख के आना हिंदी में, ठीक है, ये आपके समझने के लिए है, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो. अरे सीरीज में तो चार्ज सेम है तो क्या डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं ना, वोल्टेज वर्ड आपका कॉमन वर्ड. अब ये जो V वोल्ट है ये कुछ बट गया होगा, इसको मिल गया होगा कुछ V1, इसको मिल गया होगा कुछ V2, तो ये V तो बटा ना, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट, देखो ये जो है ना, ये जो अंडरलाइन वाला है ये सिर्फ आपके समझने के लिए, एग्जाम में क्या लिखना है, ये जो अब मैं लिख रहा हूं, लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इज V1 and across C2 is V2. अपन ने क्या बोला, C1 कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको V1 मान लिया, C2 के अक्रॉस जो है उसको V2. So total V will be V1 plus V2. Total आपने अगर 10 वोल्ट दिया है तो बढ़ जाएगा, अगर 2 तो 8, इस टाइप से बढ़ जाएगा. ठीक है,
तो स्टेप वन ड्रॉ डायग्राम, स्टेप टू जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, तो पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्लियर। स्टेप थ्री, सभी कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दो, सभी अगेन ये गोला वाला जो है ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, एग्जाम में कृपया इसे लिख करके ना आए, है ना। सभी कैपेसिटर्स में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दो, तो पहले वाले में क्या लगाओगे, C1 is equal to Q by V1, दूसरे में क्या लगाओगे, C2 is equal to Q by V2, तीसरे में क्या लगाओगे, C equivalent is equal to Q by V, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर और आखिरी स्टेप, आसान है, सौरभ सर के स्टेप्स याद रखना, एकदम आसान हो जाएगा, है ना। स्टेप वन ड्रॉ डायग्राम, स्टेप टू जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, स्टेप थ्री सब में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दो, और स्टेप फोर सिंपल, स्टेप थ्री की वैल्यू, थ्री की वैल्यू टू में पुट कर दो, टू में पुट कर दो, है ना। अब इसको तुम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको समझने के लिए कि आपको तुरंत याद हो जाए। अब एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, इन देखो यहाँ पर कैसे लिखोगे, इधर सुनो, इधर सुनो, पहले सुन लो पूरा, सब कोई सुन लो, कैसे लिखोगे एग्जाम में, पहले तो डायग्राम बना दिए, उसके लिए कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद आप लिखोगे, इन सीरीज चार्ज इज कॉन्स्टेंट बट पोटेंशियल इज गेटिंग डिवाइडेड एंड लेट द पोटेंशियल अक्रॉस सी वन इज वी वन एंड अक्रॉस सी टू इज वी टू, सो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। मैंने क्या लिखा, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, तो आप उसको लिखोगे इन सीरीज वोल्टेज इज गेटिंग डिवाइडेड, सो लेट द वोल्टेज अक्रॉस सी वन इज वी वन एंड सी टू इज वी टू, सो टोटल वी विल बी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। मतलब ये जो मैं लिखा हूं, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, तो आप लिखोगे कि यहां पर ये डिवाइड हो रहा है तो अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं। फिर मैंने क्या बोला, सभी कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दो, तो यहां पर आप खाली क्या लिखोगे, अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इन ऑल द कैपेसिटर, बस। समझ रहे हो, ये जो मैं हिंदी में लिखा हूं इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है, बस। फिर सब में लगा दिए, फिर आप क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ C1, C2 एंड C इक्विवेलेंट, नहीं C1, C2, C इक्विवेलेंट नहीं, V1, V2 एंड V फ्रॉम स्टेप 3 इनटू स्टेप 2, है ना, इसी को अंग्रेजी में करके लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ C1, C2 एंड C इक्विवेलेंट फ्रॉम स्टेप 3 इनटू स्टेप 2, ठीक है, यहां पर कर रहा हूं फोर्थ स्टेप, ठीक है। तो V की जगह क्या लिखूंगा, V की जगह Q by C equivalent लिखूंगा, V ऊपर चला गया, ये इधर आ गया, अब इतना तो जल्दी जल्दी कर सकता हूं मैं, तो V की जगह लिख सकता हूँ Q by C equivalent, ठीक है। V1, V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, Q by C1, Q by C1, और V2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, Q by C2, Q कॉमन निकल के कट जाएगा, है ना, बेरहमी से मार डालेंगे एक दूसरे को, तो आपका फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2। याद रखो ये ऐसा फॉर्मूला रेजिस्टर के केस में पैरेलल में आया था, इसमें जो सीरीज में आया है, ठीक है, बन गए, बस इतना इजी। सौरभ सर के स्टेप्स याद रखने हैं क्या, पहला ड्रॉ डायग्राम, जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर दो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू पुट कर दो, खत्म काम। और ये कॉमन चार स्टेप याद रखने से आपका सीरीज पैरेलल सब हो जाएगा, और इनफैक्ट खाली ये नहीं, रेजिस्टर भी हो जाएगा, समझ रहे हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंस है उसका भी सीरीज पैरेलल डिराइव हो जाएगा, कैपेसिटेंस का भी सीरीज पैरेलल डिराइव हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये चार कॉमन स्टेप्स बनाए हैं। तो आपको अलग अलग चार डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ चार मेथड याद रखने हैं, काम खत्म। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, पैरेलल की तरफ बढ़ते हैं, सीरीज हो गया है। अब देखो कितना जमीन आसमान का अंतर है बोर्ड में और कॉपी में, है कि नहीं, इसीलिए तो कॉपी में ना एक महीना लगेगा टोटल सिलेबस कंप्लीट करने में। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पैरेलल के लिए डिराइव करते हैं, सेम मेथड, ड्रॉ डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम, जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर दो,
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दो, फिर वैल्यू पुट कर दो, बस चार स्टेप्स फटाफट करेंगे आप, जल्दी से देख लो। सी इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल। स्टेप वन, ड्रॉ डायग्राम। तो भैया पहले दो कैपेसिटेंस को पैरेलल में लगा दिए, वी वोल्टेज से जोड़ दिए, तो यहां से क्यू चार्ज गया है ना, ये सी वन ये सी टू। अब देखो वोल्टेज सेम रहेगा, पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। तो वी वोल्टेज लगाया, तो यहां पर भी वोल्टेज वी, यहां पर भी वोल्टेज वी। अब दोनों की जगह क्या लगा दिए, एक कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट, ये वोल्टेज वी और ये चार्ज क्यू, ठीक है। तो स्टेप वन, स्टेप टू क्या डिवाइड हो रहा है, चार्ज। अब यहां से टोटल जो चार्ज आया क्यू, मान लो यहां चला गया क्यू वन, यहां चला गया क्यू टू, तो टोटल जो क्यू है वो क्यू वन प्लस क्यू टू ही होगा। अगेन अब यहां पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम बट चार्ज इज गेटिंग डिवाइडेड, सो लेट द चार्ज फ्लोन थ्रू सी वन इज क्यू वन एंड थ्रू सी टू इज क्यू टू, सो क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू, ठीक है। स्टेप टू, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दिए। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री क्या है, सब में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दो। इसमें देखो C1 is equal to Q1 by V, C1 is equal to Q1 by V, इसमें देखो C2 is equal to Q2 by V, यहां देखो C equivalent is equal to Q by V। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, तो यहां से Q1, Q2, Q3, Q1, Q2 और Q की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ Q1, Q2, Q, Q फ्रॉम स्टेप 3 इनटू स्टेप 2, ठीक है क्या, पक्का। आगे बढ़ते हैं, बस स्टेप फोर, वैल्यू पुट कर दिए, तो क्यू के जगह क्या पुट करूंगा, सी इक्विवेलेंट इनटू वी, ये डिवीजन में है, इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, तो इज इक्वल टू क्यू वन, क्यू वन के जगह सी वन वी और क्यू टू के जगह सी टू वी, वी ने वी को बहरहमी से मार दिया, तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया सी वन प्लस सी टू। याद रखना ये रेजिस्टेंस वाले केस में पैरेलल सीरीज के लिए आया था, जो यहाँ पर पैरेलल के लिए आया है। रुक जाओ, रुक जाओ, अब पंगा लिए हैं कैमरे के सामने, फिर खून के आंसू रोएंगे, कुछ बोलेंगे जब कैमरे के सामने उठक बैठक कराऊंगा, सिंपल सिंपल चीजों के लिए। क्यों नहीं करोगे, धमकी दूंगा तो क्यों नहीं करोगे, जब मैं फर्स्ट ईयर में जब कोचिंग खोला था उस समय ट्वेल्थ वाले बच्चों को उठक बैठक कराया हूँ, उठक बैठक छोड़ो मुर्गा बनवाया हूँ, हाँ वीडियो आज तक मेरे फोन में है, तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग बच जाओगे, बट मैं भूल गया पहला मुर्गा कौन था कोचिंग का, नहीं दिव्यांश नहीं था, वो थे 12th के, क्या नाम है इसका, नहीं नहीं एक बैच और पहले, तुम लोग से एक बैच पहले, हाँ जब वो लोग 11th में थे उस समय, जब 12th का जो बैच था वो ग्लोबल के बच्चे थे सारे, 7-8 बच्चे आते थे सुबह सुबह, आते थे 5-6 बजे पढ़ने के लिए, हाँ मैं पढ़ा दूंगा बिल्कुल, हाँ अब उठ जाओगे, अब जब उनका था तो उठ के आता था मैं, उस समय आप शादी, हाँ मैं शादी नहीं किए थे, अब कर लिए इसलिए पूछ रहे हैं, आ जाएंगे हम, मेरे घर वाले खुशी हो जाएंगे, डिपेंड करता है बेबी पे, चलो रिकॉर्ड हो रहा है, तुम बकवास करा रहे हो एक दस इतने देर से, हाँ सिर, चलो इधर आगे 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 बढ़ते हैं, हाँ तो C equivalent for series और parallel हो गया, अब कुछ कुछ और बातें करते हैं, है ना, जो आपके NCERT में डायरेक्टली नहीं दी है लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू पूछी गई है कुछ कुछ चीजें, है ना, वो अपन देखो, ठीक है। एक्चुअल में देखोगे तो ITJ NEET में बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और हैं इसमें, चार्जिंग डिस्चार्जिंग है ना, स्टडी स्टेट एंड बहुत सारी चीजें हैं। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैपेसिटेंस जैसे मान लो ये एक खाली कैपेसिटेंस है, अभी कुछ भी चार्ज नहीं था इसके ऊपर, सी कैपेसिटेंस है, इसको जब आप एक बैटरी से जोड़ोगे, वी बैटरी से जोड़ोगे, वी बैटरी से जोड़ दोगे, तो होगा क्या, स्टार्टिंग में इसमें कोई चार्ज नहीं था, तो चार्ज जाएगा, यहां से कुछ चार्ज गया, यहां से आया 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 आया,
बट एक टाइम के बाद क्या होगा, इसमें इतना चार्ज आ जाएगा कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा जो यहाँ पर पोटेंशियल है, फिर उसके बाद चार्ज बहेगा क्या? नहीं, फिर रुक जाएगा। मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गया, नेगेटिव चार्ज इसमें, और ये चार्ज इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? C is equal to Q by V। तो ये जो टोटल चार्ज आपका किसके बराबर हो जाएगा? CV के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? CV। मतलब मान लो अगर कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराडे का है और आपका वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो 2 into 2 4 4 माइक्रो कूलम चार्ज अगर यहां पर आ गया तो उसके बाद और चार्ज बहेगा नहीं, क्योंकि यहां पर भी उतना ही पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा जितना पोटेंशियल ये है। तो उस समय सर्किट क्या हो जाएगी? एज अ ब्रेक, सर्किट ब्रेक टाइप काम करेगी, सर्किट टूट गई, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? तो कैपेसिटेंस जब फुल चार्ज हो जाता है तो सर्किट ब्रेक के जैसे काम करता है, और उसी को बोलते हैं स्टडी स्टेट। और अपने मैक्सिमम जो इसमें पूरा पार्ट था वो स्टडी स्टेट के बाद का है, कि टोटल भाई चार्ज जिसको जहां बहना है वो बह गया। आप बताओ, हाँ, बाल्टी भर गई, नल अपने आप बंद, है ना? जैसे आपका फ्लश वाला सिस्टम होता है, वो टंकी ऊपर की भर जाती है तो अपने आप बंद, वैसे ही आपका पूरा फुल चार्ज हो जाएगा तो चार्ज बहना फ्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी उतना ही पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा जितना यहाँ पर है। तो अब ये चार्ज हुआ, अभी चार्ज नहीं था, जीरो से क्यू चार्ज तक गया, तो इसको बोलते हैं चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस। तो चार्जिंग के टाइम करंट कैसे चेंज हो रहा है उसका जो इक्वेशन आता है, ये सारा चीज डेराइव होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये मेंस और नीट में पढ़ाया जाता है, मेंस एडवांस में पढ़ाया जाता है, है ना? तो चार्जिंग की बात अभी अपन नहीं कर रहे हैं। फिर है डिस्चार्जिंग। अब ये कैपेसिटेंस चार्ज हो गया, अब मैं अगर यहां से निकाल दूं तो चार्ज है भी उसके अबाउट वी वोल्ट है। अब अगर मैं इस कैपेसिटेंस, चार्ज कैपेसिटेंस को लेकर के आ जाऊं, एक बल्ब में लगा दूं, कोई रेजिस्टेंस में लगा दूं, तो ये बल्ब जलेगा स्टार्टिंग में, फिर बाद में जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जितना चार्ज था क्यू और माइनस क्यू, क्यू चार्ज यहाँ से जाके इसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा, जैसे ही पूरी खाली हो जाएगी फिर बस जलना बंद हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग, फिर डिस्चार्ज हो रहा है तो किस फॉर्मूले से डिस्चार्ज हो रहा है, किस रेट से डिस्चार्ज हो रहा है ना? तो एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है और एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होता है, ये एकदम झट ले चार्ज और डिस्चार्ज। जो टाइम होता है चार्जिंग का, है ना, टाइम कांस्टेंट, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो पढ़ने की होती हैं, लेकिन अभी अपन को वो सारी चीजों में जाना नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। और स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा एक्ट करता है? एज अ ब्रोकन वायर। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा एक्ट करता है? एज अ ब्रोकन वायर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? स्टडी स्टेट मतलब फुल चार्ज हो गया, जितना चार्ज को जहां जाना था वो चला गया है, अब और कोई भी चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? पक्का? अब आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस करने में बेनिफिट मिलेगा जो मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? और भी कुछ कुछ है, जैसे चार्जिंग को एक में दूसरे में आपके एनसीईआरटी में किस टाइप के क्वेश्चंस है, तो अभी आप लोगों को होमवर्क दूंगा तो पता चलेगा, है ना? अब मान लो एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज कर दिया और उसको दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, और आपको बोलेगा बताओ फाइनल वोल्टेज कितना है। जैसे एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए एक क्वेश्चन खाली दे रहा हूँ, उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि मैंने आपको क्लास के वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि भैया ये आपके एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड रहेगा, तो आपको ज्यादा, अब देखो एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ चैप्टर एंड होने के बाद, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर खत्म हो चुका है, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आप खाली प्योर बोर्ड में फोकस कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को यहाँ पर लीव कर सकते हैं, है ना? बट आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है? अब अरे आप लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ी ना उठ के चल जाओगे यहाँ से। हाँ, फिर कल क्लास होगी कि नहीं वो मेरी मर्जी। हाँ, वो उन बच्चे कौन है अभी? अभी तो इमेजिनरी बच्चे हैं। चलो चलो ठीक है, आगे आगे देखते हैं, है ना? अब मान लो एक कैपेसिटेंस है 5 माइक्रो फैराडे का, है ना, एस दिख रहा है ये, कोई बात नहीं, 5 माइक्रो फैराडे का। इसको मैंने पहले चार्ज किया, ये जो कैपेसिटर है ये मेरा चार्ज हुआ ऐसे, ये एंड ए बोल दे रहा हूं, ये एंड बी। हाँ, एक कैपेसिटर है 5 माइक्रो फैराडे का, और इसको मैं 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, ठीक है? चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दिया, इस कैपेसिटर को लेकर के आया, सेम कैपेसिटर को लेकर आया 5 माइक्रो फैराडे वाला, और इसको जोड़ दिया एक और 5 माइक्रो फैराडे की बैटरी के, एक और कैपेसिटर के साथ, 5 माइक्रो फैराडे का एक और कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया, तो बताओ फाइनली कितना चार्ज होगा और फाइनली क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये दोनों पॉइंट के अबाउट, ये दोनों पॉइंट के अबाउट क्या फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा? सोचो, कोशिश करो, एक ही तो फॉर्मूला है, C is equal to Q by V, लगाओ, कुछ ना कुछ करो, पेन वेन चलाओ, भाई बैठना नहीं है, मूर्ति बन के हाथ पैर चलाओगे तो चलेगा, तो समझ में आएगा चीजें, कुछ भी करके देखो ना,
अपने आप हाथ पैर मारोगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा, चुपचाप मूर्ति जैसे बैठे रहोगे तो जिंदगी में कुछ होना नहीं है। फिर हम लोग इसमें क्या बता रहे हैं, वोल्टेज सेकंड में। मैं ऑनलाइन क्लास में ज्यादा ड्रामा कर देता हूँ। मैं ही देख रहा हूँ यूट्यूब में, मेरा लेक्चर मैं ही देख रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा है। चलो इसके बाद आज की क्लास एंड करेंगे। ये क्वेश्चन इसके बाद अगर तुमको चाहिए तो एक आध क्वेश्चन और दे दूंगा इसके ऊपर होमवर्क। फिर कल सबसे पहले होमवर्क डिस्कस होगा। ऑनलाइन भी अगर कोई देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप होमवर्क कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक का पोटेंशियल जो आपका सेकेंड चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा न्यू बुक के अकॉर्डिंग। जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग नहीं, बस इसको चार्ज किया, इसको एक और के साथ जोड़ दिया। अच्छा वो चार्ज था ऑलरेडी। हाँ वो चार्ज था तो लाके जोड़ा, तो कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों के अबाउट पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो वही करना है, यही तो दिमाग लगाना था कि चार्ज कब तक बहेगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो गया तो नहीं बहेगा, तो क्या पोटेंशियल है जो सेम है वो बताना है। हाँ मैं ऑनलाइन वालों को कुछ बता रहा था, आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, हाँ यहाँ से 1 से लेकर 11 तक अभी निकालेंगे, तब पता चलेगा क्या होगा। आंसर देखते हैं, इन दोनों की जिज्ञासा पूरी करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि यहां चार्ज कितना आएगा। तो Q is equal to CV, तो C 5 into V 20, 5 into 20 100, 100 माइक्रोकुलम प्लस में और माइनस 100 माइक्रोकुलम, चला गया। चलो अब स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो यहां पर था प्लस 100 माइक्रोकुलम और यहां था माइनस 100 माइक्रोकुलम। फाइनली क्या होगा, मान लेता हूं मैं कि यहां से क्यू चार्ज निकला, यहां से क्यू चार्ज निकला, तो यहां पर माइनस क्यू जाएगा और यहां पर कितना जाएगा क्यू, यहां माइनस क्यू है कि नहीं, आ जाएगा ये। तो अब देखो फाइनली क्या होता है वो बनाता हूं। मान लो अब फाइनली इसमें क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज इसमें माइनस क्यू, और यहां पर कितना था 100, 100 में से क्यू चला गया तो 100 माइनस क्यू, और यहां आ गया तो माइनस 100 प्लस क्यू, फाइनल चार्ज ही हो गया। यहाँ का कैपेसिटेंस 5, यहाँ का भी कैपेसिटेंस 5, सेम था, अगर अलग होता तो अलग मानते अपन। अपन को एक बात मालूम है भाई कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो C is equal to क्या होता है Q by V, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी Q by C, मतलब जो यहाँ Q by C है वही यहाँ पर Q by C होगा। यहाँ Q by C याद रखना, यहां से मैं ये पॉजिटिव वाला ले रहा हूं तो यहां से ये वाला लूंगा, ठीक है। या दोनों का अगर मैं खाली इक्वेट कर रहा हूं, जैसे अगर मैं वो लगाता केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो अगर मैं इधर से ये वाला देख रहा हूं तो इधर से भी सामने वाला देख रहा हूं तो सामने वाला, लेकिन मैं यहां पर खाली इक्वेट कर रहा हूं तो मैं दोनों का कौन सा लूंगा, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या लूंगा, 100 माइनस क्यू बाई 5, ठीक है, क्यू बाई सी इज इक्वल टू यहां पर क्यू बाई सी, 5 ने 5 को मार दिया, मतलब कैपेसिटेंस बराबर था, तो आप ये मान सकते हो फाइनली चार्ज क्या हो जाएगा, बराबर, चार्ज बराबर हो गया। तो 100 इज इक्वल टू 2Q, तो Q इज इक्वल टू 50, मतलब ओरल भी बता सकते थे कि भैया अगर कैपेसिटेंस बराबर है, वोल्टेज बराबर है, तो चार्ज भी बराबर होगा। तो अगर 100 था तो 50 वहां चल जाएगा, 50-50 बराबर हो जाएगा। वोल्टेज बताना है, वोल्टेज बताना है, अभी आया चार्ज, चार्ज आ गया 50, अब पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालने के लिए 50/5, मतलब यहां पर भी 10 वोल्ट, यहां पर भी 10 वोल्ट, सही बोला, बट तुम कॉन्फिडेंट नहीं थे क्योंकि तुम तुक्का मार रहे थे। नहीं,
चलो अच्छा चलो एक सवाल और, एक सवाल और फिर आज की छुट्टी ठीक है। मान लो ये है 8 माइक्रो फेराडे का कैपेसिटर और इसको आपने चार्ज किया पॉजिटिव नेगेटिव है ना 50 वोल्ट की बैटरी से। अब इसी कैपेसिटर को 8 माइक्रो फेराडे की कैपेसिटर को आपने जोड़ दिया 2 माइक्रो फेराडे के कैपेसिटर के साथ, तो बताओ चार्ज कितना होगा और वोल्टेज कितना होगा। बताऊं? सेम करना है जो भी किया मैं, चार्ज निकालना है, मान लो क्यू चार्ज बहा फिर क्यू बाई सी को क्या करना है, सेम ऊपर वाला क्यू बाई सी इक्वल टू नीचे वाला भी क्यू बाई सी। केसीएल केवीएल अगर जो पढ़ लेंगे ना तो इसमें सब एप्लीकेबल होता है, केसीएल केवीएल करंट में पढ़ेंगे अभी सब। माइक्रो लगाया था मैं लास्ट क्वेश्चन में, पोटेंशियल बताना है पोटेंशियल तो सेम रहेगा दोनों का। वैसे तुम सुबह सुबह तुम्हों का स्कूल कितने बजे लगता है? 7:30 बजे मेरी बस आ रही है, सुबह सुबह बस से जाते हो? यहाँ बस कितने बजे पहुँचती है? यहाँ पे 8:50 यहाँ एग्जैक्ट 8 बजे पहुँचती है, तो 7 से 8 क्लास कर सकते हैं यहीं से बैठ जाना। मजाक कर रहे हो? ऐसे ही करते थे ग्लोबल वाले भैया, हमारे घर में ना नाश्ता नहीं बनता है, मम्मी ने कर लिया नहीं देगी ऐसे, मारवाड़ी की मम्मी भी जानते हो ना क्या क्या होती है, हमारा बच्चा खाए पीए नहीं कर सकता। चलो और मैं सुबह निकल रहा हूँ मतलब मम्मी के 1 घंटे और टाइम और फिर 1 घंटा मम्मी के और तस्वीर से। चलो ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, Q is equal to C into V, तो 8 × 50 कितना हो जाएगा 400 माइक्रो कूलम। अब यहाँ पर चार्ज था 400 माइक्रो कूलम, यहाँ -400। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से Q चार्ज चला गया तो यहाँ Q चार्ज आ गया है ना। अब मेरे को मालूम है एक चीज कि Q by C क्या होगा, सेम, क्योंकि V कांस्टेंट है, जो ऊपर V है वही नीचे V है, तो Q by C, तो Q कितना हो जाएगा 400 माइनस क्यू, नो टोटल चार्ज बाई सी इज इक्वल टू क्यू बाई टू, 2 × 4 = 8, 4Q प्लस क्यू 5Q की वैल्यू 400, तो Q की वैल्यू 400/5 कितना आ गया 80। तो मतलब फाइनल चार्ज यहां पर जो होगा वो होगा 80 और फाइनल चार्ज यहां पर जो होगा वो कितना होगा 320, कितना होगा 320। तो यहां का भी 320/8 करोगे वोल्टेज या 80/2 करोगे तो 40 आएगा है ना, तो दोनों साइड से वोल्टेज कितना जा रहा है 40। चलो ये तो अच्छा बात ये था कि ये डिस्चार्ज कैपेसिटर था खाली, अगर वो भी पहले से भरा हो तो, सुन रहे हो,
करना सेम है अभी तक तो, ये जो दूसरा कैपेसिटर अपन जोड़ रहे थे एकदम खाली था, अब अगर वो भी पहले से भरा होता चलो तो मान ले रहा हूं मैं, है ना, कि एक कैपेसिटर है C1 मान लो 4 माइक्रोफेराडे का, है ना, इसको चार्ज किया 20 वोल्ट की बैटरी से, और एक कैपेसिटर है 5 माइक्रोफेराडे का और इसको चार्ज किया मान लो 5 वोल्ट की बैटरी से, है ना। अब दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ा और इसके नेगेटिव को इसके नेगेटिव से, और एक बन सकता है कि उल्टा जोड़ा, तो फाइनल पोटेंशियल बताओ। दोनों केस के लिए तुम लोगों को फाइनल पोटेंशियल बताना है, ये भी होमवर्क है। चलो फाइनल पोटेंशियल, हाँ दोनों केस के लिए, जब दोनों को पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा तब भी बताना है आपको, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा तब फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, और एक बताना है। सेम तो नहीं हो रहा ना, 4 to the 80, 5 to the 25 अलग है। ठीक है, और एक में आपने पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा, नेगेटिव को पॉजिटिव से, चलो ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं समाप्त, कैपेसिटेंस हो चुका है खत्म। कल की क्लास में जो होमवर्क दिया गया है उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके आगे पढ़ना चालू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।